जहादेव साहब के अंदर एक करण जौहर मौजूद है और वो कह रहे हैं आप हैं। मुझे उसकी खुशी थोड़ी पैंट से भी दिखी तो मैंने बोला यार ये माहौल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत हरामी ऑडियंस है। सलाम का जवाब दे दोगे भाई? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फरहान यूसुफ और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज जैसी ऑडियंस है तो कह दिया राज ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास के बहुत ज़्यादा मसले हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं हमारी। पहले मोहब्बत टाइम मांगती थी, अब टाइमिंग मांगती है। कमजोर हो गई है ना। ये उन्हीं की आवाज़ थी जो आमिल पाशा को फ़ोन करते हैं, सर मेरा कुछ कर दें, सर कुछ कर दें। सर हमारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। हम मतलब गाड़ी अगर मैंने ख़रीदी है, जैसे मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको शो ऑफ नहीं कर पा रहा। लोग कहते थे कि यार गाड़ी ले ले, बंदी अपने आप आ जाएगी। मैंने गाड़ी भी ले ली, कपड़े भी अच्छे पहन लिए, साला बंदी नहीं आ रही। अब मैंने बोला यार मैं और कहाँ जाऊँ, मैं बैंक के, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बैंकों में जा रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा अकाउंट खोल देंगी 10 लाख रुपये। इम्प्रेस ही नहीं हो रही वो। और मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा है मैंने तो लाख रुपये बंदी फंसा ली यार, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते तेरे पास? मैंने हाँ आते हैं। तो उसको बोला कर, मैंने बोला यार मैंने बोला, वो कह रही है शट अप। तो मैंने लगा यार ये मिडिल क्लास के मसले, ये अमीरों के मसले हैं भाई, ये अमीरों वाले मसले हैं, ये हमारे वो मसले है ही नहीं। जो अमीरों के बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो हम मॉल्स में गए, फूड कोर्ट में गए, वो उनकी माँ उनको बोले कि नो बेटा डोंट डोंट डोंट, वो बच्चा मान जाएगा। हम बोले डोंट, बच्चा ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और वो टांगे चला रहा है और ये चीज़ें कर रहा है। और लाइक उनका बच्चा ना, उनकी जो चीज़ें होती हैं, वो बच्चा पैदा होता है और ये उसके यूँ हाथ मारते सिल्की बाल, ये हाथ सब हमारे बलोचो ऐसे बाल निकल रहे हैं कि बेटा तू क्या क्या किस तरीके से तू क्या कर रहा है बेटा। ये रहा हमारा ऑडियंस में। मैंने कहा ना कि आप लोग माशाल्लाह, वही शुरू में मैंने कहा हरामी, तो मैंने कहा ना पुल के उस तरफ की ज़्यादा कॉम है वैसे, पुल के उस तरफ की अच्छी सेंट्री लग रही है। थोड़ा सी घबराहट भी हो रही है, कैसे लोग देख रहे हैं मुझे हरामी नज़रों से कि मैंने एक गलत जोक मारा नहीं, ये मेरी मार देंगे सारे। यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ भी आई हुई, जैसे अहमद भाई है माशाल्लाह, इनको हम बड़ा देखते हैं, फॉलो करते हैं। पिल्ले के बहुत बड़े फ़ैन हैं ये, या पिल्ले इनका फ़ैन है ये नहीं पता, क्योंकि वो जो उसका स्टाइल है 3-2-1 आगे से क्या बोलता है वो, साहब अहमद भाई आपको तो ज़्यादा पता होगा। शादी हो गई इसकी, दज्जाल आने वाला है। सर आपको कैसे पता वो दज्जाल ही है? आपने कहीं उसका अल्ट्रासाउंड तो नहीं पढ़ लिया? हाँ सर, ये अहमद भाई अंदर की रिपोर्ट आपके पास कैसे है? ये पिल्ले को पता है ये बात कि दज्जाल ही आ रहा है। और बाकी हमारे जो एक दूसरे भाई हैं, वो एक माशाल्लाह से जो रोस्ट करते हैं बड़े जबरदस्त, हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। परोटा हाँ, मुझे उनका नाम नहीं पता था ऑनेस्टली, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। जैसे अहमद भाई का नाम इसलिए पता है क्योंकि बार बार सब लोग कह रहे थे अहमद भाई आ गए, अहमद भाई आ गए। अच्छा मेरी हाइट की वजह से मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम ना शोबिज़ में चले जाओ, माशाल्लाह हाइट अच्छी है तुम्हारी, ये वो, तब तो बाल भी थे मेरे थोड़े। तो उन्होंने कहा कि यार तुम ना शोबिज़ में चले जाओ। मैंने ठीक है, मैंने कहाँ जाऊँ? कह रहा फला फला शराय फैसल पे ऑफिस है, यहाँ पे बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे, जहाँदेव साहब से मिल लेना। मैं ठीक है, मैं मिल लेता हूँ जाके, क्या मसला है? अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं जब गया हूँ तो मैंने देखा जहाँदेव साहब के अंदर एक करण जौहर मौजूद है और वो कह रहे हैं आप हैं, आइए बैठिए। मैंने बोला सर आपने मुझे बिठाने के लिए बुलाया, पक्की बात है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, आप घबराएं नहीं, आए ना बैठे ना बैठे। अब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, तो मुझे उसकी खुशी थोड़ी पैंट से भी दिखी तो मैंने बोला यार ये माहौल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो वो आके यूँ कह रहा कि क्या क्या कर सकते हो, मतलब जो आप कह रहे हो वो तो नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी इज्जत बचानी चाहिए, और क्योंकि हम मिडिल क्लास, आप लोग पुल के उस तरफ है, आपके नाई अलग होते हैं, हमारे नाई, हम लोग कोनियाँ बचाते हैं अपनी ना, कि वो हाँ बाल काट दे भाई करके, हाँ क्योंकि वो नाई जो है ना वो यूँ कर रहा होता, हाँ एक साइड से गंजा कर दिया उसकी, वो ही ख़त्म हो गया यार, बस कर दे भाई। और इसी तरह फिर हमारे जब हम लोग जब हम बस में सफ़र करते थे
तो हम बैठे हुए, जैसे हम नहीं बैठे, हमें जाना है सदर, हम बैठे हैं नुमाइश से, हमें सदर जाना है, एक अंकल आवे अंकल अंकल हाँ बेटा, हाँ बेटा क्या ही है बेटा? कुछ नहीं। बोला अंकल आपका स्टॉप क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई। तो अंकल कह रहे हैं कि बेटा मेरा स्टॉप तो दो दफा पीछे रह चुका है, मजा इतना आ रहा है। तो मैंने बोला अंकल आपकी खुशी जो है ना मुझे नजर आ रही है, ये पहली खुशी है जो मुझे नजर आ रही है, खुद मैं देख सकता हूँ। अरे बेटा गलत समझ रहे हो, धक्के मत दो। मैंने अंकल धक्का तो कोई नहीं दे रहा अंकल, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे बेटा आ रहा है पीछे तो धक्का। बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहे हो? मैं गलत दिख रहा है मुझे? समझ क्या रहे हो? मैं हम लोग मतलब उस तरह से, अब उसने मुझे कहा कि तुम क्या कर सकते हो, एक्टिंग में क्या कर सकते हो? मिला मैं क्या करवाना है आपको? तो उसने बोला तुमने से पहले कभी एक्टिंग की है? मैंने बोला कौन सी वाली? तो वो कहने लगा कि जो तुम समझ रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक फिल्म में एक रोल दूँ विलन का, और ये तुम इस तरह कर लोगे ये वो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं कैसी कुर्बानी? मेरा नंबर लिखो, पर्सनल नंबर, जहाज़ेब जूलिया कहते हैं मुझे। बोला ये कौन सा जूलिया? मतलब मुझे आपकी कुछ इरादे अच्छे नहीं लग रहे। नहीं नहीं बेटा देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मतलब गलत समझ नहीं रहा, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं आप पे जो है ना हैरेसमेंट का केस कर दूंगा। तो बोला ठीक है बेटा तुम्हारी मर्जी है, अगर स्टार बनना है तो यहीं से लोग गए हैं, और आज देखो कितने बड़े बड़े स्टार, मैंने कितनों को स्टार बनाया है। मतलब कौन है उनको खुद भी नहीं नाम पता थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तो मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि ऑब्वियसली अमीर बच्चे नहीं समझ सकते। आज माशाल्लाह बहुत अमीर लग रहे हैं ये भाई, तो आपके बाल गरीबों वाले हैं। बस एटलीस्ट है मेरे। आपकी एज पे तो मेरे कहाँ कहाँ आते थे, हमारी एज तक पहुंचो इतने भी नहीं रहेंगे, हमारी एज तक आओ इतने भी नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छी ऑडियंस थी, और आप सबका थैंक यू सो मच।